भारतीय जनता पार्टी द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर हल्ला बोला, जहां अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय चेयरमैन सुखपाल सिंह खैरा किसानों की मांग उठाने के लिए पहुंचे। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय चेयरमैन के नेतृत्व में होने वाली इस रैली में गुरुग्राम से कांग्रेस के किसान नेता अमित भारद्वाज के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसान दिल्ली के जंतर मंतर के लिए रवाना हुए। आज हम अपने किसानों के हितों की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे जो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के राष्ट्रीय चेयरमैन हैं सुखपाल सिंह खैरा जी, उनके नेतृत्व में आज देश भर से सभी प्रदेशों से हमारे किसान कांग्रेस के साथी और कांग्रेस के हमारे साथी सारे इकट्ठा हुए हैं और किसानों की मांगों को उठाने का यहाँ काम करेंगे आज दिल्ली। और हम अपने चेयरमैन सुखपाल सिंह खैरा जी के माध्यम से इस तानाशाह सरकार को, बीजेपी सरकार को जगाने का काम करेंगे कि ये जो किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं सभी प्रदेशों में, इनकी तरफ ध्यान दें, इनकी मांगों को सुने, इनकी जायज़ मांगों को पूरा करें और इनको बरगलाने का काम ना करें। नहीं तो ये बहुत ही गलत, बड़े बड़े कारोबारियों के आप करोड़ों रुपयों के लोन कर्ज माफ़ कर रहे हो, आप इन किसानों के छोटे छोटे कर्ज हैं वो भी माफ़ कर सकते हो। तो यही हम आज हमारा यही आज मोटिव है कि हम किसान कांग्रेस के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के माध्यम से आज यहाँ कम से कम लाखों की तादाद में सभी प्रदेशों से आज हमारे साथी किसान कांग्रेस के और हमारे कांग्रेस के साथी कार्यकर्ता इकट्ठा हुआ।